टेक ब्रोज में सभी का वेलकम है। जो भी हमें देख रहे हैं, जितने भी देख रहे हैं ना, सबको वेलकम है। यस, सबको वेलकम है। प्यारे प्यारे मेंबर्स, प्यारे प्यारे, उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, जबरदस्त होंगे, बढ़िया होंगे और जम के काम कर रहे होंगे। गाइज, हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी कोलकाता की, तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि ये आपने जो सा ओल्ड वीडियो बना दी है, ये सिलेक्ट कर दिए। तो मैं इसलिए कहता होता हूँ कि लिंक जो सा है वो हमें डिस्क्रिप्शन में दिया करें, ताकि कोई मिस्टेक ना हो, हाँ, गलती ना हो जाए हम वीडियो में। तो आप जो आप वीडियो देंगे हम उसी पर रिएक्शन देंगे, जो एग्जैक्ट वीडियो होगी, ताकि उस पर जो सा है हम रिएक्शन दें। तो लोगों ने कहा था कि ये आप ओल्ड देख रहे हो, ओल्ड, अब न्यू देखो, न्यू क्या, तो न्यू देखने आए हैं यार, क्योंकि न्यू फ्यूचरिस्टिक ऑफ कोलकाता के, कोलकाता में अब क्या यानी कि फ्यूचर में होने वाला है। तो ये फिर ये वाली वीडियो जो है सिलेक्ट की कि इस पे जो सा रिएक्शन वीडियो बनाएं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, क्यों नहीं किया यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर कर लिया तो बहुत बहुत शुक्रिया, ताकि हमारी वीडियोस आपको मिलती रहे और हमें मोटिवेशन मिलती रहे, ताकि हम वीडियोस बनाते रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये गए हम कलकत्ता, कोलकाता, न्यू टाउन। अच्छा, ऑडिटोरियम कोलकाता
असल में है, आती असल में है सब। काफी तरक्की यार कर ली है कोलकाता ने, हम तो ये वीडियो देखी, मुझे लगा कि 3D वीडियो है कोलकाता की, 3D नहीं थी ये, एरियल व्यू था ये, और वाकई में रियल था ये, काफी ज्यादा डबल हो चुका है। तो ये सबसे ज्यादा जो स्टार्ट में इन्होंने दिखाई, ग्रीनरी बहुत ज्यादा है कोलकाता में, ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, उसके बाद ये ना साफ सुथरा नजर आ रहा था, साफ सुथरा बिल्डिंग्स वगैरह बनी है, काफी डेवलप्ड बिल्डिंग्स बड़ी जबरदस्त बनी है, और बड़ी अट्रैक्टिव उनका जो सा वो व्यू है नज़र आ रही है, बड़ी अट्रैक्टिव। तो इसके अलावा क्या चीज़ अच्छी लगी? इलेक्ट्रिसिटी को उन्होंने रखने के लिए यानी कि बनाने के लिए सोलर पैनल बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं। यस, सोलर पैनल मुझे भी बहुत अच्छा, एक वाटर पार्क अच्छा लगा है, वाटर पार्क और ये जो उनसे स्विमिंग पूल बहुत ज़्यादा ना कूल थे यार, काफ़ी इनके पास बहुत अच्छे थे। बस इलेक्ट्रिक बस की तो फिर क्या ही बात है ना, इलेक्ट्रिक बस ने यू टर्न लिया और वो गई, इलेक्ट्रिक बस वो भी एक बड़ी सा माहौल, अच्छी सी इलेक्ट्रिक बस भी मुझे बड़ी अच्छी लगी, खुली खुली थी ना, आगे वो तंग सी एक, लेकिन वो वाला हिसाब नहीं था उसमें। उसके बाद अगर आप टावर की बात कर लें, पैरिस बना दिया वाकई, पैरिस वाला टावर बना दिया, मज़ा आ गया वो भी देख के। तो ये कुछ चीज़ें जान सकें, वो बड़ी ज़बरदस्त लगी, इसी वजह से मुझे लग नहीं रहा था ये कलकत्ता ही है, हाँ ये लगा जैसे मैं पैरिस में घूम रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे तो देख के, आपको भी मुझे लगता है कि मज़ा आया, थैंक यू गाइस यार जिसने भी वीडियोस में सजेस्ट किए हैं, यस मज़ा आया देख। वीडियो अगर पसंद आती तो वीडियो को लाइक करने और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, आप क्या कोई रिक्वेस्ट देना चाहते हैं या कोई भी वीडियो के हवाले से कुछ हमें बताना चाहते हैं तो वो कोई भी आपने रिक्वेस्ट है वीडियो की तो हमें नीचे कमेंट्स में बता दिया करें।
ताकि हम जो है उस पर रिएक्शन वीडियो बना दें और हमारी हमें मोटिवेशन मिलती रहे। इसके लिए हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। यस गाइस, यही हमारी मोटिवेशन है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस, गलती से भी नहीं भूलना। आप खाना खाना भूल सकते हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं भूल सकते। सब्सक्राइब करके खाना खा लेना फिर बाद में। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें इजाज़त। बाय बाय।